जैसा कि आपको पता है कि मैं अभी बिहार के औरंगाबाद जिले में भ्रमण कर रहा हूं, आपको गोह का रिपोर्ट दिखाया। आज हम हसपुरा प्रखंड परिसर में हैं, जहां लोग नामांकन करके वापस आ रहे हैं। इस रास्ते से लोग वापस आते हैं तो यहां पर एक पंचायत समिति सदस्य के पद से पता चला, लोगों ने बताया कि नामांकन किया है, जो कहा जाता है कि विजेता हैं, अजय हैं, अभी तक चुनाव हारे नहीं हैं। पैक्स की बात मैं कर रहा हूं, हालांकि इन्होंने एक अलग पहचान बनाई है, विधानसभा चुनाव भी लड़ा है और बहुत सारे चुनाव में जहां कहीं असफलता भी हाथ लगी है, लेकिन अगर उनको इनके इलाके का जो चुनाव होता है, जहां के इनके वोटर होते हैं, जहाँ ये रहते हैं, वहाँ इनको अजय माना जाता है। और आज से ही लोग ऐसा बात कर रहे हैं कि यह प्रत्याशी जो है से जीत कर जरूर वापस आएगा, और वह नाम है संजीत शर्मा का। संजीत शर्मा से मैं बात करूंगा कि आखिर यह इस चुनाव में क्यों आ रहे हैं, जबकि इनके पास प्रदेश अध्यक्ष का पद साथ ही है। तो आइए बात करते हैं संजीत शर्मा से। पंचायत समिति है और निर्वाचन क्षेत्र संख्या 7 है। स्थान बताइए। डिंडिर पंचायत पश्चिमी भाग। क्या नाम है आपका? संजीत कुमार। आप जनता से क्या वादा कर रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं? जनता से वादा क्या, समस्या हल करना हमारा काम है, किसी वादे लेकर हम नहीं आए हैं। एक इरादा है मेरा कि पंचायत समिति क्या कर सकता है, एक करके हम लोग को दिखाना है कि प्रखंड में जनता के प्रति पूरी पदाधिकारी को समर्पित करना एवं जनता के प्रति जवाबदेह बनाना, यही पहला मेरा काम है। अधिकारी ही जवाबदेह होंगे कि आप भी होंगे? हम भी होंगे निश्चित। जब खुद आप सही नहीं रहिएगा तो दूसरे को आप सही नहीं कर सकते। जनता से आपका क्या अपील होगा? जनता से यही अपील है कि आप सब लोग एक मौका हमको दीजिए। हम पैक्स अध्यक्ष थे, लेकिन पैक्स अध्यक्ष का कोई सरकार के द्वारा कोई फंड नहीं है, और पैक्स अध्यक्ष मूलतः जो व्यवसाय है वह धान व्यवसाय है, उसके लिए भी सीसी होता है, उसका भी 11% इंटरेस्ट लगता है, और अब जो सरकार का निर्देश है उसके अनुसार 8% इंटरेस्ट किया गया है। तो उसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं कि जिससे हम लोग गरीब को अलग हटकर कोई सेवा कर सकते हैं। मुख्य रूप से उसमें किसान है कि जिसका केवल धान खरीदारी किया जा सकता है, और यह जो पंचायत समिति ऐसा चीज़ है कि यह लोग को समझ में आएगा कि पंचायत समिति का मतलब लोग जानता है कि कुछ नहीं, केवल अगर थोड़ा सा फंड आया उसी से काम हो सकता है। नहीं, पंचायत समिति के माध्यम से अपना जो भी आपका योजना है उसको आप जिला परिषद के माध्यम से भी पास करा सकते हैं। यह भेजना हमारा दायित्व है। प्रखंड के मुखिया के जो भी काम है उसको भी पास करवाना मेरा काम है, और जिला से भी जिला परिषद के द्वारा से जब पास हो जाएगा वह बिहार सरकार के पास वह योजना जाएगी, निश्चित ही क्षेत्र में विकास दिखेगा।